आज तो यार पूरा जाम लगा बड़ा भाई, रीजन पता नहीं क्या, जेसीबी कर रही है खुदाई। आज तो बेटा चंडीगढ़ में भी जाम लग रहा है। आप यहाँ पर आए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कितनी बार धन्यवाद बोलूंगे मेरे भाई, अभी तो कंटेंट शुरू हुआ है, छोड़ के मत जाइए, इंजॉय कीजिए, तभी तो आएगा मजा। हाँ मेरे भाई, यही तो है जय चंडीगढ़ दाए, सारी चीजें एकदम से पलटी हो जाता है, जैसे आपकी जिंदगी हम कर देंगे, कैसे देखते जाइए आगे। हाँ लोग आपस में इंटरलिंक्ड है ना भैया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपको ये जमकर्स वाली वीडियोस जो हैं उसमें आनंद आ रहा है, मेरे को तो भैया एडिटिंग में बहुत मजा आ रहा है, एकदम फटाफट हो रही है सारी चीजें। गाड़ी भी हमने गर्म कर लिया और फटाफट अब चलते हैं यहाँ से टक टक। वैसे के अंकल से उनसे मैंने मरुंडा ली थी जब हम अभी गए थे ना लुधियाना में वो करने के लिए। अरे शूट भैया, अभी एक्चुअली जो बेरर का है जो मेरा हेडर है ना वो खराब हो गया था, तो उसका मेरे को नंबर तो मिल गया है, जो मतलब वो है ना जहाँ पे ठीक होता है, सो वो है 35 में, बट 10 से लेके 6 बजे तो खुलता है, एक गड़बड़ है और अब मैं ऑफिस टाइम में भैया नहीं जा सकता। देखते हैं क्या करवाते हैं इस हेयर ड्रायर का, लोकल करवाएंगे या वहीं पे करवाएंगे। बदल बदल हो गया है पूरा ऊपर, और अभी मैं जो वीडियो देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ भाई जी की, विक्रम भाई की, उनकी भी गाड़ी का मतलब वो था, गाड़ी वॉश करवाई और बाहर होगी बारिश, और इधर भी बारिश होने वाली है, सुबह गाड़ी हमने भी वॉश करी है। आज तो यार पूरा जाम लगा बड़ा है, रीजन पता नहीं क्या, मरुंडा खा रहे हैं भैया हम तो, टाइम पास भी बढ़िया हो रहा है, मस्त हो रहा है, बारिश भी होने वाली है, पता नहीं जाम लग रखा है यार पूरा ये। इट माइट बी पॉसिबल के जो वहाँ पे जो ओकेजन होने वाला ना राधा स्वामी जी का, तो शायद इस वजह से हो रखी हो, बाकी पता नहीं, पता लग जाएगा थोड़ी देर में। किसी टाइम ये होटल हुआ करता था एकदम मस्त, अब देखो क्या हो गया खंडर। ये देखो जेसीबी कर रही है खुदाई यहाँ पर इस होटल की, ये देखो समय बहुत बलवान है भैया, आप अभी खड़े हो मस्त मौजी हो, कुछ टाइम बाद नहीं रहोगे, सो बी हम्बल विद एवरीवन। एक जगह से उतरे दूसरी जगह पे अटके, वो है ना एक कहावत, खजूर से उठ के और किस पे लटके मैं भूल गया। अभी असली चीज क्या है, मैं सब्जी ले लूंगा, इतना वाइफ और बच्चे भी आ जाएंगे तो उनको लेने के लिए पहुंच जाएंगे हम बस स्टैंड, और अगर टाइम मिला तो शायद मैं ये हेयर ड्रायर भी दे आऊंगा, क्योंकि वहां पे जाने का टाइम तो है नहीं, पेटीएम है वैसे 24 को, बट मिलेगा टाइम नहीं मिलेगा वो अलग चीज है। चाहिए तो नहीं भैया, पैसा दे देंगे, टाइम इज मनी, सही बात है, और आपके पास अगर टाइम नहीं है फिर तो भैया पैसा दोगे फटाफट ले लो, मतलब सामान। आज तो हर जगह जाम है, हर जगह जाम। ये है पुल कौन सा वाला, हरियाणा और हिमाचल का एडजॉइनिंग। टाइम की बात करूँ 6:37 6 बजे निकले थे, आज यहीं पे इतना टाइम लग गया, मतलब 40 मिनट लग गए तकरीबन। आज सबसे पहले मैं क्या करूँ ना यार, हेयर ड्रायर दे आता हूँ, वहाँ पे जाने का तो टाइम है नहीं, तो बस डिसाइड कर लिया मैंने। और ये देखो क्या मस्त लग रहा है नज़ारा, मस्त वाला। एक चीज़ और मैं ट्राई करूंगा, पहले हेयर ड्रायर दे आऊंगा, उसके बाद फिर सब्जी मंडी जाऊंगा, फिर बच्चों को ले आऊंगा, लेने के लिए जाना पड़ेगा अपने बस स्टैंड, तो बस स्टैंड पहुंचेंगे सेक्टर 17 में, ठीक है, और मेरे ख्याल से तब तक वो भी आ जाएंगे और अपना काम भी हो जाएगा। एक जिस तरह मैं वीडियो कट करता हूँ ना, तो कट जो टक टक शायद आवाज़ आती हो, पता नहीं आती हो, वो जब मैं बटन से बंद करता तब आता है, अगर मैं डिजिटल वाला करूँ फिर दिक्कत नहीं है। और ये देखो ऐसे लग रहा है जिस तरह प्री वेडिंग सेट या वेडिंग वगैरह की, या फिर कोई बहुत बेहतरीन चीज़ होती है ना सेट बनाया होता, देखो कितना प्यारा लग, मस्त लग रहा ना। यहाँ पे राधा स्वामी जी क्या है जो सत्संग होने वाला है, और बहुत सही रहा यार, मस्त लगा ना। बारिश बारिश का लग पूरा इंतजाम कर रखा है यहाँ पे जबरदस्त। अभी जम कट ना मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं ऐसे बार बार कट वगैरह कर दूँ, या फिर जैसे अभी मैंने कंटिन्यूसली एक बार बोल के बताता हूँ, उसके बाद मैं जिस तरह रुक गया ना, फिर मैं रुकने के बाद फिर दोबारा से फिर ये भी मैं जम कट की तरह एक तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। अभी पिछले वाला मैंने ना जो क्लिप था वो काटा नहीं, वो मैं एज इट इज़ लगाऊंगा, ताकि आपको पता लग जाएगा कि जम कट आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या तो आप मैनुअली करते जाइए, या फिर मेरी तरह जैसे मैंने रुक रुक के बोला है वैसे आप बोलते जाइए। अभी से पीछे वाला क्लिप आपने देख लिया, वो थोड़ा सा लंबा हो गया, वो इसलिए था क्योंकि आपको समझाना था भाई, और जो चीज़ अपने को समझ आ जाती है वो चीज़ हम बता देते हैं, बाकी कुछ नहीं रखा, सब चीज़ें ज्ञान बांटते फिर जहाँ से जो मिले लपेट लो। वहाँ तो हमने यूज़ किया था एसी, बिकॉज धूल मिट्टी जाती है, यहाँ नेचुरल एयर है, तो ये विंडो थोड़ी थोड़ी खोल देते हैं। अरे रुको रुको रुको, बत्ती का नज़ारा तो देखो क्या मस्त लग रहा है ना, जबरदस्त तरीके से। आज बाबा जी ने बोला है कि दिखाओ, तो हम दिखाएंगे वीडियो में। बादल बादल हो रखा है पूरा, मस्त मौसम। ये देखिए मूर्ति भगवान जी की, शायद नहीं दिखाना चाहते थे, थोड़ा ब्लरीनेस था, चलो कोई बात नहीं, मन में ध्यान लो, मूर्ति मिल जाएगी आपको अंदर ही अपने। जय माता दी, जय भैरवनाथ। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एक्चुअली मेरा मन किया बताने का, कि हमारी जो डिजिटल फैमिली है वो 381 हो गई है,
पर चीज़ पता है क्या है, चीज़ ये है कि ये आपको 3 दिन बाद वीडियो मिलेगी। तहे दिल से शुक्रिया जो भी मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। हमारा अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप आके शेयर भी कीजिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। पर अभी भी कई तकरीबन 65-70% अब वो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल, बट मेरा जो वीडियोज़ हैं वो देखते हैं। आप भी एनालिटिक्स हैं उसमें चेक कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको जो जिस हिसाब से चाहिए वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने डिजिटल फैमिली से। पंजाब में एंटर हो गए हैं, क्या नेट चल रहा है देखते हैं। इट्स बिन द कॉन्सिक्यूटिव थर्ड डे लाइक जिसमें पंजाब में नेट नहीं चल रहा है, पता नहीं कितने दिन तक रहेगा बंद। बट एक चीज़ ये है कि भैया जिसकी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगी ना या उनका भैया ब्रेकअप पक्का है अगर फ़ोन पे व्हाट्सएप पे नहीं हो पा रही होगी। वहाँ एक चीज़ और है, जो पंजाब और चंडीगढ़ का बॉर्डर है ना, पंजाब में तो चल नहीं रहा, जैसे चंडीगढ़ एंटर होते हैं नेट तो नेट चल पड़ता है। अभी डिजिटल बाउंड्री कैसे क्रिएट करी गई है ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो जो पंजाब और चंडीगढ़ के आसपास लगते मतलब लगते गाँव हैं वहाँ पे भैया पंजाब से सीधा चंडीगढ़ में जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड को डाल दो मैसेज भैया। आज तो बेटा चंडीगढ़ में भी जाम लग रहा है, आज तो जहाँ से भी निकले वो गड़ी मिला है, मतलब जाम गढ़। फ्लाइटों पे रुके हैं तो वो देखो, वो दिखा रहा हूँ, देखा एरोप्लेन गजब तरीके से उल्टा पुल्टा कर रखा है। यह कौन सा सेक्टर 17 की लाइट्स पॉइंट है, ये देख रहे हो बच्चे जैसे बीच में लटके पड़े हैं भैया, बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत इसकी, क्योंकि पत्थर वगैरह एकदम से आते ना तो आँख वगैरह पे लग जाए तो भैया श्री गणेश हो जाएगा, समझ गए ना। तो भैया बच्चों को ऐसी जगह पे तो बिल्कुल भी, ऊपर मधुमक्खी भी लग सकती है भैया। हैव यू सीन दिस थिंग, मैंने तो पहली बार देखी यार, सही चीज़ बनाई गई है, मतलब जो भाई लोग अपना इस टाइप से मतलब चल फिर नहीं सकते तो सही चीज़ है। और हाँ वो जो बच्चे थे वहाँ पे थे लटके हुए भैया, बहुत गलत चीज़ है, मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। आप देख लो आपके बच्चे कैसे, आप रिकमेंड करते हैं या नहीं करते। यहाँ पे भी पूरा जाम लगा पड़ा तो यार फंस गए बुरी तरीके से। 1.5 घंटा हो गया, 6 बजे निकले, 7:30 हो गए हैं अब एक्चुअली पहुंचने वाले हैं वहाँ पर। मैंने फ़ोन किया, मैं क्या फ़ोन करके पता कर लेते हैं, बट फ़ोन उन्होंने उठाया नहीं, सो अभी जा ही रहे हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे बस वहाँ पे उनकी शॉप पे। कल आए थे, कल तो बंद थी, मंडे था ना। यहाँ पर भी जाम भैया, क्या मुसीबत है। तो पहुँच गए हैं शॉप पे, ये है वो शॉप जो बंद थी, अपने को आज ओपन मिली है, देखते हैं क्या कुछ बैठता है इसका। भाजी ने गाइडेंस दिया कि वारंटी में तो वहीं पे दे, मतलब जो शॉप है, शॉप मतलब जहाँ पे सर्विस सेंटर है बेसिकली, वो गाइडेंस तो सही दे दी। पैसे पूछ रहा था तकरीबन कितना लगेगा, उन्होंने बताया नहीं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से चलते हैं, गाड़ी यहीं पे लगा दी थी। हो गया भैया हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हो गया भैया। पुलिस भी आ गई है, हैरियर वाले ने भाई साहब सीधा ही पेल दिया, ढप करके आवाज आई, ढप करके सीधा। ड्राइवर का फोटो ले लिया, गाड़ी का नंबर ले लिया फोटो, और लग गया जाम। चलो इधर से निकल लेते हैं, ये देखो पिचका दिया पूरा। हैरियर वाला और वो दोनों भी इतनी जोर का धप करके आवाज आई ना भैया, मारुति तो पिचक गया और हैरियर का कुछ हंजर पंजर कुछ नहीं हिला। बच्चे भी पहुंच गए जीरकपुर और हम भी बस पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं हम ट्रिब्यून चौक उधर है, और देखते हैं बस वगैरह जिस तरह यहाँ रुकती है तो यहीं पे रुक जाएंगी, तो यहीं से उतार लेंगे। इनकेस अगर यहाँ नहीं रुकती आगे तो यहाँ पे अगले चौक पे मुड़ के फिर वहाँ पे रुक जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे रुक गए हैं। अब एक्चुअली जो उनको उतारा है क्रॉस करके उतारा है, तो चलते हैं वहाँ पे। चलो जी हो गई है लाइटें, चल रहे हैं अब हम, यहीं कहीं होने चाहिए बच्चा पार्टी। ये रहे लेफ्ट साइड में, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बच्चा पार्टी। अच्छा दे दे ट्रॉफी, दे दे ट्रॉफी ले लो, दे दे, दे। नहीं। तो घर पे पहुंच गए हैं, बच्चों का थोड़ा सामान, किसमें है सामान बच्चों का? अच्छा इसमें है, चलो ये लेके चलते, चलो चलो उधर से अरे गिरा दिया, सब गिरा दिया। चलो उतरो छिपकलियों, जल्दी उतरो 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 उतरो, एक छिपकली है, एक छिपकली है। बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है, यहाँ से निकल के सीधा जा रहा है आपके पास, करो सब्सक्राइब।